भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम मुंब्रा के दारुल फला मस्जिद के पास। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एक गार्डन हुआ करता था जिसमें बच्चे खेला करते थे, लेकिन रोड वेंडिंग के नाम पर जो है इस गार्डन को तोड़ दिया गया। अब रोड को चौड़ा करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नाले का काम शुरू किया गया है। लेकिन आपको एक चीज़ और दिखा दें कि यहाँ पर जिस तरह से जो झाड़ लगे हुए थे, जो पेड़ थे करीब 10 से 11 पेड़, आज जो है मनपा द्वारा इन पेड़ों की जो टहनियां हैं वो काट दी गई हैं। हालांकि जो मनपा के अधिकारी, यहां पर कोई भी मनपा का अधिकारी मौजूद नहीं है, और जो मनपा के कर्मचारी यहां पर झाड़ों की टहनियां काटने का काम कर रहे हैं, उनसे जब पूछा गया कि क्या इसका परमिशन है आपके पास, तो उन्होंने 2016 का परमिशन दिखाया जिसमें 398 पेड़ों का टहनियों का काटने का जिक्र है, लेकिन वो परमिशन जो है 2016 का है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आज 10 से 11 पेड़ों की टहनियाँ काट दी गई हैं, हालांकि शहर में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी भी जाहिर की जा रही है। कुछ लोग यहां पर आए थे जो विरोध कर रहे थे पेड़ों का काटने का, लेकिन जो कर्मचारी है मनपा के, जब उनसे इस बारे में जानकारी ली गई, पूछा गया, तो उनका कहना है कि हमने पेड़ों को जड़ों से नहीं काटा है, बल्कि उनके पेड़ों को जो है टहनियाँ काटी है, और इन पेड़ों को जो है दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं जो है इन पेड़ों को यहाँ से ले जाकर जो है दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात कही है। लेकिन जो शिफ्ट करने की बात जो है मनपा के जो यहाँ वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि जो मुंब्रा कौसा स्टेडियम है वहाँ वो बता रहे हैं कि इन पेड़ों को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन पेड़ों को अब टुकड़ों में काट काट कर यहाँ से लेकर जाया जाएगा, या JCB द्वारा इन्हें निकाल कर सही सलामत ले जाकर इन्हें दूसरे जगह, चाहे स्टेडियम हो या कहीं और भी हो, इन्हें शिफ्ट किया जाएगा जिससे ये जीवित रह सके, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए कि यहाँ से वहाँ तक जितने भी करीब ये 10 से 12 पेड़ यहाँ पर थे, और उनकी जो टहनियाँ थी वो काट दी गई हैं। सिर्फ जो है अब पेड़ बचे हुए हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई पत्ती कोई डाल नहीं है, पूरी 10 से 11 पेड़ ये है जो काट दिए गए हैं, और परमिशन भी देखा गया तो वो 2016 का है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से यहाँ विरोध हो रहा था, और जिस तरह से मनपा कर्मी हैं जो वर्कर यहाँ पर काम करने वाले हैं, उन्होंने क्या कहा है हम आपको सुनाते हैं। किस पद पर आप मनपा में तैनात? मैं काले डिपार्टमेंट का देखता हूँ, ये साइट को। आज जो यहाँ पर आप झाड़ काट रहे हैं, इसका क्या परमिशन है आपके पास? झाड़ काटने रहे, शिफ्टिंग करने का झाड़, इसके लिए ट्रिमिंग की है। अच्छा, शिफ्टिंग मतलब जो आपने टहनियाँ तो काट दी है, लेकिन ये शिफ्टिंग कैसे होगा? इतना बड़ा बड़ा झाड़ है, कहाँ शिफ्ट? लेके जाके अड्रा से उठा के दूसरी जगह लगाएंगे स्टेडियम में। कहाँ पे लगाएंगे? स्टेडियम। कौन सा? ये कौसा स्टेडियम। तो इतने बड़े बड़े झाड़ ले जाके वहाँ स्टेडियम लगते हैं, ये जीवित रहेंगे वहाँ? हाँ, जरूर रहेंगे। अच्छा, जो ये आपने जो टहनियाँ काटी हैं, आप कह रहे हैं मैंने झाड़ नहीं काटा, टहनियाँ काटी है, तो इसका क्या परमिशन वगैरह आपके पास है? और कोई मनपा का अधिकारी क्यों नहीं है यहाँ पर? मनपा का अधिकारी आएगा ना, जरूरत पड़ेगी तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? कितने पेड़ काटे अभी तक इधर? ये जो झाड़ ये मेरे आज ही, मैंने आज ही ट्रिमिंग किया, मैं काटे नहीं झाड़। आप टहनियाँ जो आपने काटे, ये सवाल करते ना, झाड़ काटे झाड़ काटे, झाड़ काटे नहीं, खाली ट्रिमिंग किया है उसको शिफ्टिंग के लिए, क्योंकि पूरा झाड़ उठा नहीं सकते गाड़ी से। अपने पास अभी बड़ा गाड़ी भी आया है, ये कॉन्क्रीटीकरण नहीं रहता ना, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली उठा लेता है झाड़। परमिशन दिखाइए ना, परमिशन है? ये क्या है ना परमिशन, क्यों नहीं है? तो ये परमिशन जो है 2016 का एप्लीकेशन है, उसके बाद दिया है उनको 2016 का। आप में काट रहे हैं पेड़? हाँ, तो उसका परमिशन है तो उसको वैल्यूएशन नहीं रहता है कि आज दिया और कल उसका वैल्यू खत्म हो गया, ऐसा नहीं रहता है। ट्रिमिंग में और झाड़ काटने में क्या फर्क क्या है? झाड़ काटने का बोला तो जड़ से काटने का, ट्रिमिंग के लिए उसका ब्रांचेस काट के उसको दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं। बस ये कैसे शिफ्ट होगा, कैसे इसको निकालेंगे यहाँ से ले जाने के लिए? इसे खोदेगा आजू बाजू से, एड्रा से उठाएंगे, पकड़ के बेल्ट लगा के डंपर में डालेंगे, दूसरा जगह खड्डा खोद के उधर लगाएंगे, उसको पानी बीनी सब रहेगा। लगाते समय हम लोग फोटो निकालते समय फोटो सब लेते हैं, ऐसा कुछ। कितने झाड़ काटे और कहाँ का? मैं आज ही आया हूँ, मेरे को मालूम नहीं, बाकी का इतना मेरे को मालूम है, आज जो काम किया उतना ही मालूम है। अभी अभी आपने कितने पेड़ों की जो टहनियाँ काटी है? अभी मैं गिनूंगा ना, मेरे को जितने दिखाए थे उतने मैं गिनूंगा, अभी कितने हो गए मेरे।
क्या नाम है? कृष्णा। सिकंदर भाई, आज जो यहाँ पर जो ये पेड़ जो काटे जा रहे हैं, उसका कहना है कि जो है ये पेड़ जो है टहनियाँ काटी जा रही, इसे दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा। क्या इतने बड़े बड़े ये जो झाड़ है, ये दूसरे जगह शिफ्ट होना मुमकिन है? नहीं, मुमकिन तो पूरा अक्खा झाड़ भी होना मुमकिन है, होता है, मशीनरी है, सब चीज़ है, होता है। हमने देखा है फेसबुक वगैरह पे आती है वीडियोज़ के पूरे अक्खे के झाड़ शिफ्ट होते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं मुमरा की पब्लिक को। यहाँ कोई शिफ्टिंग का ये नहीं है, ये पूरा झाड़ काट के ये लोग ले जाए कहीं भी फेंक देंगे। कहीं आज तक शिफ्टिंग नहीं किया गया झाड़, हमने इतने सारे झाड़ कटे देखे, वो जड़ से इन्होंने काटा है। कोई झाड़ शिफ्टिंग या हाइड्रा से जैसा ये बता रहे जो शिफ्टिंग का तरीका है, इनका कहना है कि हम इसे निकाल कर ले जाएंगे, और वो भी ऐसी जगह बता रहे हैं जो स्टेडियम है वहाँ पर बोल रहे हैं कि ये लगाया जाए। जगह ही कहाँ है स्टेडियम में, जगह ही कहाँ, और लगाया है तो 245 झाड़ है ना, कुछ मार्किंग है क्या यहाँ से ले गया झाड़ वहाँ पर लगाया गया? सब झाड़ काट दिया, जड़ से काटा गया झाड़, कोई झाड़ शिफ्टिंग नहीं हुआ यहाँ से। और शहर के बीच में ज़रूरत है यार झाड़ की, ज़रूरत शहर के बीच में। स्टेडियम में तो ऑलरेडी नए झाड़ लगाओ ना, अगर स्टेडियम में है तो नए झाड़ लगाओ। 2.5 लाख झाड़ बोलते लगाए हुए, तो नए झाड़ लगाइए स्टेडियम में। ये शहर के बीच से झाड़ काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि आज यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हमारे जो अभी नए नए मंत्री नियुक्त नई सरकार के बने हैं उनकी ज़रूरत थी, वो तो वहाँ पे चले गए आर्य कॉलोनी में झाड़ रुकवाने के लिए। यहाँ हमारे शहर में जहाँ से पब्लिक जनता ने उनको वोट दिया, यहाँ पर उनकी ज़रूरत है, ये रुकाना चाहिए उनको। और झाड़ का एडजस्टमेंट करना चाहिए यार, तुम सीधा एक ही ऑर्डर के पूरे झाड़ काट दो ऐसा नहीं होता है। कुलाबा है, बड़े बड़े एरिया जहाँ पे महंगा अच्छे से अच्छा है, थाना में देख लो दुनिया भर के झाड़ है। सर्विस रोड बनाना है तो बीच में कर दो, डिवाइडर पे झाड़ आता है, लेकिन यहाँ तो मुमरा में सिर्फ काट दिया गया है। जो परमिशन ये दिखा रहे हैं, हालांकि मनपा का अधिकारी कोई यहाँ पर है नहीं, परमिशन जो ये दिखा रहे हो 2016 का परमिशन है, वो भी 398 झाड़ का उसमें बताया गया है, और यहाँ पर करीब 10 से 11 झाड़ों को काट दिया गया है। भाई देखो कैसा ये अंधेर नगरी चौपट राज है, वो 20 साल तक ऐसी बेवकूफ़ बनाते रहेंगे वो 2016 का पेपर ले, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। और अगर जो कोई जवान खड़ा होता है पूछने के लिए, तो डिपार्टमेंट बैठा है यहाँ पे केस बनाने के लिए, टीएमसी को हाथ छोड़ रख दिया है, टीएमसी केस बनवाती है, तो कोई बोलना ही नहीं चाहता है। अब बोले क्यों, किसी को पर्सनल थोड़ी झाड़ अगर जो है तो सबके लिए है, पब्लिक के लिए, लेकिन ठीक है किसी ना किसी तो आगे बढ़ना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, और होना नहीं चाहिए, इसको तो असल में रुकवा देना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी यहाँ पे कैसा है कि रुकाने जाएंगे तो हमारे ऊपर केस बनता है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों पे केस बना है, मेरे ऊपर भी 2-4 केस बनवाए हैं टीएमसी ने। टीएमसी का काम है केस बनाना और अंधाधुंध काम करना यहाँ पे, और मुमरा के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसके पूरे पूरे जिम्मेदार आमदार है। आमदार को यहाँ पे रुकवाना चाहिए सब कामों को, और इसको एडजस्ट करवाना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करवाना चाहिए। झाड़ को सर्विस रोड है उसको आगे पीछे करना चाहिए, थाना में है। मनपा का कहना है कि रोड वेंडिंग के लिए जो है ये किया जा रहा है, ताकि रोड चौड़ा हो जाए और आने जाने वालों के लिए तकलीफ ना हो। सर्विस रोड बनाओ ना उसके बाद में, डिवाइडर तो चाहिए ना, फिर भी सर्विस रोड बनाइए उसके बाद में बनाइए। इतने 25-25 साल 30-30 साल पुराने पता नहीं कब के झाड़ लगे हुए हैं, उसको बेदर्दी से काटा जा रहा है, सरासर गलत है। और ये सौतेलापन है, मुमरा शहर के साथ में सौतेलापन है। आज देखो ना शहर को क्या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, झाड़ के ऐसे ही लगे होते, वो बिना काम के रहते हैं, बहुत सारी ज़रूरत है ना उसको, इसके लिए लगाते हैं ना लोग झाड़ के ऊपर। आज कितना काम हो रहा है, सरकार काम रही है, काम कर रही है, टीएमसी काम कर रही है, दुनिया भर का फंड है उसके लिए, लेकिन ये पुराने झाड़ काटे जा रहे हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर जो है झाड़ों को काटा जा रहा है, उसको लेकर जो है शहर में कहीं ना कहीं जो है नाराज़गी है। हालांकि जो मुमरा के कुछ रहवासी हैं, रहने वाले लोग हैं, वो लोग जो है यहाँ पर इस झाड़ काटने का विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।